अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं ऑन दी वे। ऑन दी वे में आज मैं मौजूद हूँ गुलशन। ये बहुत बेहतरीन और मशहूर जगह है कराची पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है वो सी फूड की बड़ी एक रुझान है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दूर दूर से खाने के लिए सी फूड आते हैं, और ये कोई बेहतरीन सी फूड होता है फ्रेश डिशेस के साथ। कीमत तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये नेक्स्ट टू फर्स्ट, ये इस तरह से इधर ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती से जो है ये ट्रिम करते हैं। और ये वैसे भी प्रोफेशनल लोग हैं, तो इनको बड़ी ट्रेड होती है, टेक्निक होती है, इनका मसाला तैयार होता है जिसमें मसाले को हमें जो है ना वो घर पे लगा के रखना पड़ता है काफ़ी देर तक इनका, जैसे कि जो है वो। ये मछली कौन सी है ब्रो? मीरा था। मीरा 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 कितना टाइम लेती है ये बनने में? 10 मिनट लेती है। 10 मिनट। अच्छा, ये किलो के हिसाब से लगती है, दाने के हिसाब से? किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से ये कितना किलो के? दो दाने हैं ये जो लगे हैं। 2 किलो लगे। बना दें, ये केजी के हिसाब से होती है। ये हीरा फिश है, ये पाकिस्तान में बहुत खाई जाती है। अच्छा, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जो है वो खारे पानी की होती है, मतलब ये दरिया की होती है, समंदर की नहीं होती है। सॉरी, पता नहीं, समंदर की होती है, दरिया की नहीं होती। तो समंदर की मछली जो है ना वो थोड़ी सी आपको नमकीन मिलती है, और जो दरिया की मछली होती है, लाइक हैदराबाद की जो मछली आपको मिलेगी ना, या पंजाब में जो मछली आपको मिलेगी, वो मीठे पानी की ज़्यादा मिलेगी, और कराची में जो है वो खारे पानी की ज़्यादा मिलेगी। तो ये बेसिकली जो है ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। एक्चुअली जो खारे पानी के खाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे आते हैं, होती यहाँ भी होगी मीठे पानी की, लेकिन यहाँ पे कराची की फिश होती है। और ये इसकी मैकिंग है, अभी ये तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट में जो है वो तैयार होती है, और बहुत खूबसूरत प्लेस है पूरा। अगर आप इसके स्पीड को देखें तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कैमरे से। भाई ये सर्व करो ना, मुझे बताना, मैं इसको थोड़ा सा जब निकालो ना बता दें। तो नाज़िर ये अभी सर्व करेंगे इसको। दस मिनट लगता है, भरपूर आग होती है इसके अंदर। अच्छा, हैदराबाद की भी एक स्पेशल जो मछली है ना वो यहाँ कराची से बहुत लोग खाने जाते हैं, मतलब ये सिटी टू सिटी है। तो उसमें जो है ना वो पल्ला मच्छी के नाम से जो ना बड़ा मशहूर होता है, वहाँ पे उसकी बड़ी तासीर पाई गई है, और लोग बड़े शौक से खाते हैं कराची से, और बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग खाने के लिए आते हैं। ये इस तरह से जो है वो फिश को एंड करते हैं, और उसके बाद जो है ये एपिसोड मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको मछली का ये फिश वाला जो सिलसिला आपको दिखाना था ना, ये उन्हीं भी जो फिश होती है ना ये इस तरह से बनती है। और ये प्रॉपरली भाई इनका आप सेटअप देखें, सिगड़ी देखें इनकी कितनी बड़ी है, ये इनकी जो है वो पकाने की जगह है, और ये मसाला। बिल्कुल इसको फील कर देते हैं, वो जल तो नहीं रही। हो गई है, निकालें तो बताइए। चलो ये इसको सर्व करने का तरीका, ये बन के भाई ये इस तरह से बन चल रही है। और ये तैयार।
है और उनके बाद जो है ना ये शेप है। ये कितने केजी है? 2 केजी ना जी जी, 2। और ये हीरा मछली आप कह रहे हो? अच्छा, इसके ऊपर ये बंद गोभी डाली जाती है। हाँ, गोभी का ये था मेरा फिश बारबेक्यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको इंजॉय करा होगा। थोड़ी तेरी मेहरबानी होगी। ये कृष्ण इकबाल पका हुआ उधर से पका हुआ सेंटर का कॉर्नर कहलाता है, बहुत मशहूर जगह है ये। तो आई होप कि आपने इस एपिसोड को पसंद किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट नवीद को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। ऑन दी वे को सब्सक्राइब करें लाजमी चैनल को, और हर तरह की सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट दें और बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इसमें मैंने शख्सियत को भी दिखा दिया कि आपके सामने, और ये बहुत खूबसूरत इंसान है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं गर्मी में खड़े होकर, बहुत मुश्किल काम होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। दुआओं के साथ बेफास है, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और जो बेहतरी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए वो करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी अच्छी इंसान की नियत होनी चाहिए। और मेरे दुनिया भर के व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्लीज़ यार इसको ट्रांसलेट भी करके देखें। ये बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके सामने चल रही है। कल्चर है हमारा पाकिस्तानी ना, तो हम इस तरह के लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल हमें भी जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें, और हम इंशाल्लाह आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए ऑन दी वे को इजाज़त दीजिए, नवीद को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।